तो उसके लिए अभी चल रही है फुल पैकिंग। तो गाइस यहाँ पर बनाई है लक्ष्य ने कोल्ड कॉफी, दवाई से भी कोई असर नहीं पड़ रहा। पैरासिटामोल भी रख दूँ? हाँ, मिल्क फॉर्मूला। मिल्क फॉर्मूला देंगे। तो बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई फ्री में चीजें नहीं देता है। ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना गड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, पर हम जा नहीं पाए, हम रह गए। दिल करता है व्लॉग बनाना छोड़ दूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 8:05। तो हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। पैकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हांसी बच्चों की पहली धोक लगवाने के लिए, और जो धोक है वो है बाबा लालदास जी की। तो उसके लिए अभी चल रही है फुल पैकिंग। तो ये सारा का सारा जो सामान है हम आज लेकर आए हैं, तो ये सामान भी पैक होना है, क्योंकि बच्चों का सामान पैक करना, मेरा पायल का, चीकू के पापा को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आना जाना करेंगे, बाकी बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, जैसे कि उनके डायपर्स हो गए, शीट्स हो गई, उनके एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, बिब हो गई, हैंकी हो गए, गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए ब्लैंकेट हो गया। तो गाइस आज ना अपनी लाडो रानी को ना प्यारी सी पायल पहनाई, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना पैर, पर इसको अगर हिलाऊंगी ना तो मेरी बेटी उठ जाएगी। हाँ जी दादा, घूमी घूमी जाओगे, धूप लगवाने जाओगे, जय जय करोगे। तो गाइस यहाँ पे ना सारा सारा सामान लगा दिया, ये बच्चों के सारे नए कपड़े हैं, साथ में मैंने काफी टाइम पहले शीट्स मंगवाई थी, मुस्लिम कॉटन रैप, तो ये भी पैक कर दिया है। तो कल ना पूजा आई थी घर पे, तो पूजा ने बताया कि ये वुडवर्ड्स का जो ग्राइप वाटर होता है बहुत अच्छा होता है, काफी पुराना भी है, पायल ने भी ये यूज करा है, तो मैंने मंगवा दिया था कल, तो आज बच्चों को हमने ग्राइप वाटर दिए। तो गाइस यहाँ पर बनाई है लक्ष्य ने कोल्ड कॉफी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी, मेरे लिए नहीं बनाई है, बना रही हूँ अभी, और अभी 3 ग्लास भेजन बाकी। आज मैंने मैंगो शेक भी पिया, अभी दूध पिया, तो मेरा भी मन ने कल पीऊंगी। तो गाइस घर में आए थे गेस्ट, तो उसके लिए लक्ष्य ने कोल्ड कॉफी बनाई है, और क्या बोलते हैं, मैंने वैसे भी कल कोल्ड कॉफी पी थी, ज्यादा कॉफी नहीं पी सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ना लगा लो 9 मंथ्स मैंने और पायल ने कॉफी नहीं पी है, कैफीन नहीं ली है, तो पता नहीं अभी हम लोग बच्चों को ना फीड कराते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कॉफी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बट कल मैंने कोल्ड कॉफी पी थी। तो गाइस अभी ना पायल का बहुत तेज हेडेक हो रहा है, मतलब पिछले आधे घंटे से ना उसका बहुत तेज हेडेक हो रहा है, दवाई भी खा ली पर दवाई से भी कोई असर नहीं पड़ रहा। पायल चाय पीगी? मैंने अभी दो दो वो लिखाई है, निसी प्लस सेरोडोन दोनों खा लिया। कभी 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 ना ऐसे लगता है ना सर की नसें पूरी फट रही है, ये यहाँ से पूरा दर्द हो रहा है। तो कभी कभी ना ऐसा होता है सच में, बहुत तेज सर दर्द होता है और दवाई से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बीच में मेरी प्रेगनेंसी थी तब लास्ट मंथ चल रहा था, और मैं जब डॉक्टर के पास भागी थी तब भी मेरा ऐसे होता, मेरे सर की नसें ऐसी फट रही थी, मेरे को पैरासिटामोल की ड्रिप चढ़ी तब जाकर मैं ठीक हुई। तो यहाँ पर ना हमने सामान भी ले लिया, सामान क्या क्या लिया, मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, DSR लिए गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, साथ में सेरिडॉन लिए, और एक निसे प्लस का पत्ता लिया है, और बच्चों के लिए ग्राइप वाटर रख रही हूँ, रोल ऑन रख रही हूँ, डॉमस्टॉल रख रही हूँ, पैरासिटामोल भी रख दूँ। तो यहाँ पे ना हमारा जो अयान है ना चीकू भाई के पास आराम से सो गए हैं। चीकू अब मम्मा सो गए ना, मैं जैद को रख लेता हूँ, जैद अभी रो रहा है ना। तो गाइस ये तो हम दो ड्रेस रख रहे हैं तूबा के लिए, अगर एक गंदी होगी तो एक पहना देंगे, ये जाते हुए हम फुल कपड़े उसके ये पहनाएंगे, और अयान और जैद को हम एक जैसे पहनाएंगे, ये कपड़े गंदे होने के बाद वो कपड़े रखे वो पहनाएंगे। साथ में हमने फीडर के कवर ले लिए हैं, फीडर रास्ते में तो फीड नहीं करा सकते, इसलिए हम फीडर से उनको मिल्क देंगे, फॉर्मूला, हाँ मिल्क फॉर्मूला, मिल्क फॉर्मूला देंगे, और ये पूरा टॉवल का एक सेट रख लिया है। डायपर चेंज करने वाली है मैं, फीडिंग मतलब जो हम बॉटल वॉटल का बैग बना रहे हैं उसी में, इमरजेंसी वाला, हाँ इसी में डाल रही हूँ। कितने डायपर लूँ? 15 डायपर बहुत है, फाइल 12 के हिसाब से सही है, 4 एक डायपर का, सॉरी 4 एक बच्चे का। मैं कह रही हूँ बिब भी मुझे यहीं रखनी पड़ेगी आगे। हाँ ठीक है, अब इसके ऊपर हम फीडिंग बॉटल्स रख लेंगे, हैंकी बीच में रखूँ, बिब तो रखी है, खोल के मत रख, खुली हुई तो बहुत सारे पड़े हैं। ये फीडिंग बॉटल्स का कवर है गाइस, ये वो वाला नैन है जो बच्चों को उसमें दिया था, किसमें दिया था, निकू में, तो हमने सोचा अभी जो है काम आ जाएगा ट्रैवल में। तो गाइस आज रात को घर पे कौन आया है, अभी आई है हमारी माता श्री, तो माता श्री इधर दिखाओ शक्ल थोड़ी सी, माता श्री सलमान है, तो ये हमारी माता श्री है जो हमारे नितिन भाई है, उनकी मम्मी है, हमारी मम्मी है, और साथ में हमारी बहन भी आई है, भैया हमारी भांजी भी आई है, एक और भांजी आई है। तो बेटा कौन सी क्लास में हो गए हो अभी? हाँ फोर्थ क्लास में। फोर्थ में? हाँ मैं भी फोर्थ। जी को भी फोर्थ में है। तो गाइस आप बता रहा है कि हमारी मम्मी जी है उनकी शक्ल नितिन से मिल रही है, या फिर हमारी बहन से मिल रही है? हमारी बहन की शक्ल क्या? पूरी भैया और मम्मा की नाक बिल्कुल सेम है, नोज सेम है, नोज मुझे तो वहाँ बोलते हैं सभी, कहते हैं ये लड़का है तो शक्ल अलग लगती है, वैसे आप एक जैसे ही हो दोनों। आपने हीरा बच्चा पैदा करा मम्मी? हाँ हीरा है तभी तो हमारे साथ हैं भैया। अभी मैं बता देता हूँ गाइस, अभी मम्मी हरिद्वार से आई हैं और सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है लाइफ में, इसके थोड़े बहुत पाप धो के आई है बस। तो गाइस अभी आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जा रहे हैं धोक मारने हांसी। तो गाइस अभी प्रोग्राम हो गया थोड़ा कैंसिल, कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो ना अभी हमारे तूबा और ये
दोनों छोटे हैं और तीन बच्चे एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा ट्रैवल में। घर में तो हम हैंडल कर लेते हैं, घर में नैनी भी होती है, सब कुछ होता है, तो अभी नैनी भी नहीं जा रही है तो इसलिए हमने सोचा है कि पहले जैद धूप लगा के आ जाएगा, फिर अगली बार धूप मैं लगाने चली जाऊंगी बच्चों के साथ। गोलू घर पे चीकू को और जैद को संभाल लेगी, अभी मैं दोनों बच्चों को यहाँ संभाल लूंगी तो मैं नहीं जा रही हूँ, गोलू जा रही हूँ। ये जो चुन्नी है ना इसके मैं फिलहाल नोट हटा रही हूँ क्योंकि कल धूप लगाते हुए ना हमें पीलिया ओढ़ना पड़ता है हमारे में, तो गोलू के लिए पीलिया रेडी कर रही हूँ। तो ये जो सूट जो थे ना जो सुनीता दीदी के लिए लेके रखे थे हमने, जो एक हमारे यहाँ पे रसम होती है ना वो पूरी करी थी सपना दीदी ने, दोनों सूट तो हमने रख लिए, वो दीदी की चुन्नी भी थी ना ढाई ढाई ऊपर ही होगी, वो भी निकाल ले चुन्नी दीदी की, ठीक है। और सरोज भाभी का सूट भी निकाल के देती हूँ अभी, ठीक है। और बाबा लाल दास जी का कपड़ा भी ले लिया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह की बज गई है 6 और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, मतलब मैं 5:30 उठ गई थी और सबसे पहले उठते ही शावर लिए और फटाफट थोड़ा सा मेकअप कर लिया और मैंने अभी काफ्तान सेट पहन लिया क्योंकि ये जो सेट है ना ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इसलिए मैंने ये सेट पहन लिया। तो गाइस कुछ ऐसी है इसकी लुक और ये बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी बात क्या है ये ना फीडिंग सेट है तो बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो गाइस मेरी जो पैकिंग है वो ऑलमोस्ट हो गई थी, बस एक बॉटल रह गई थी जो गर्म पानी की। तो गाइस सारी की सारी चीजें ना मैंने अच्छे से स्टेरिलाइज कर ली थी, तीनों बॉटल स्टेरिलाइज कर ली थी, साथ में जो पानी है बॉटल है सब कुछ अच्छे से वॉश करके रख लिया। तो ये सारा का सारा सामान है जो मुझे लेके जाना है, तीन बॉटल्स और तीन फीडिंग बॉटल्स ये बैग में रखने। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता था गोलू और जैद और चिकू के पापा जा रहे थे धूप लगाने, तो वो धूप हो गई आज कैंसिल क्यों हो गई है, वैसे सारी तैयारी करके रख ली थी हमने रात को ही और सरोज भाभी ने वहां से जो तैयारी होनी थी वो भी सारी तैयारी कर ली थी, जो भी प्रसाद वहां पे 11 किलो लड्डू चढ़ाने थे और जोत वोत का जो भी था ना वो सब सरोज भाभी ने कर रखा था। लेकिन सरोज भाभी का फिर कॉल आया, उन्होंने बताया कि संदीप गोलू वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो तुम छोटे, एक तो अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ 2 महीने का ही है, फिर उसे बीच में आपको पता है डायरिया भी हुआ था तो उसका ना अभी हमने उन्होंने बोला बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आना जाना ये वो, तो अभी अंधेरी भी कल से अंधेरी लग जाएगी। तो भाभी ने बताया जब चांदन लगेगा ना तब मैं आपको बता दूंगी, फिर उस दिन एक दिन निकाल के आप सभी आ जाना एक साथ, तो सबकी धोखे एक साथ लग जाएगी। तो गाइस हमारी जो शांति है ना जिसकी वजह से हमारे घर में पूरी शांति रहती थी वो जा चुकी है गाँव, क्योंकि उसने बोला दीदी मेरे ना बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, मैं साल में एक बार गाँव जाती हूँ, तो वो एक महीने के लिए चली गई गाँव। बीच में भी वो 7 दिन के लिए गई थी, जब गोलू की जो वो हुई थी डिलीवरी हुई थी तब गई थी वो 7 दिन के लिए, और 7-8 दिन के लिए गए थे वो लोग, पूरा घर मैंने लक्ष्य ने और गोलू ने संभाला था प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में हमने मतलब 8 दिन लगातार घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कुछ किया था। उसके बाद फिर रोली चली गई थी, उसकी नंद की जो थी सगाई थी, शांति पड़ गई थी बीमार, तब भी सारा काम हमने मिलके किया था, मतलब मैंने सारा घर सेट किया था, सब्जी वब्जी बनाई थी, फिर लक्ष्य ने भी सारा घर मतलब काम किया था, दीदी ने झाड़ू मारी थी, लक्ष्य ने पोछा मारा था, ऐसे करके सारा काम मैनेज हुआ था। अब भी ऐसे होगा, शांति चलेगी है, फिर रोली जाएगी, उसकी नंद की शादी है, गुड्डी आंटी भी चली जाएंगी, उनकी बेटी की शादी है, तो घर में बस बचेंगे हम ही लोग, फिर से सारा काम हमारे ऊपर आने वाला है। और गाइस मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, वो कमेंट्स का शायद मुझे जवाब देना चाहिए इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ, कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने दीदी को क्या दिया क्या दिया क्या दिया, तो मैं बता देती हूँ, मैंने दीदी को 11 सूट दिए हैं और 11,000 दीदी को दिए हैं, तन्नू को दिए 1,000 रुपए और तन्नू को दिए एक ड्रेस, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो लोग गए थे यहाँ से, कम्फर्टर सेट होता है ना जिसमें ब्लैंकेट होता है, पिलो कवर होते हैं, बेडशीट होती है, वो दिया था, और एक मैंने 5 कुकवेयर सेट दिया था, 2 मिठाई के डब्बे और बहुत सारे कपड़े मैंने, जो जैसे कि हमारे पास प्रमोशन के बहुत सारे कपड़े आते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं ना मैं निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ किसी जरूरतमंद को, तो 2-3 बैग भर के वो भी दिया दीदी को, कि दीदी ने बोला था कि मेरे वहाँ पे जो लोग है ना वो पहन लेते तो दे दे, तो वो भी मैंने दिया था। साथ ही साथ दीदी के लिए हमने गोल्ड के कड़े बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था मम्मी को, ठीक है, लेकिन सपना दीदी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा, तो घर में जो कुछ था मैंने वही दे दिया था, और जो 1100 दिए थे ना दीदी को वो सारे, उसमें से 5 सूट जो है मेरे को प्रमोशन में आए थे ऑन द स्पॉट, जिस दिन दीदी आई थी यहाँ पे उसी दिन मैंने वो पार्सल खोला था और दीदी को पसंद आए थे, दीदी ने अपनी मर्जी से वो पसंद किए थे, ठीक है, वो दिए थे मैंने दीदी को। बाकी जो हमारे यहाँ पे एक रसम होती है वो मुझे नहीं पता, दीदी ने करी थी वो रसम, दीदी ने बताया था कि भाई उसमें ढाई कपड़े में सुनीता दीदी के लाई थी, 2.5 कपड़े में सपना दीदी के लाई थी, तो वो भी दिए थे उसमें दीदी को, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट जो कर पाई मैंने वो सब करा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, हर किसी की नंद घर में आती है और हर किसी को वो रसमें पूरी करनी पड़ती है जो रीति रिवाज शुरुआत से बने हुए आए हैं। तो देखो ऐसा तो अगर हम बाहर से खरीद के लाएंगे तभी वो एक कॉस्ट है और हमें बाहर से आ रहे हैं तो हमारे को फ्री में तो आते नहीं गाइस ना। देखो अगर आप भी हमें यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है हमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है, हमें उन चीजों के लिए रिवर्ट देना पड़ता है, तो जो चीज मेरे पास आती है ना उसके लिए मेरे को उनके अपने पेज से उनके लिए प्रमोशन करना पड़ता है, अगर हम उनको प्रमोशन करेंगे तो आगे से उनको ऑर्डर आएंगे तो वो हमसे कमाते हैं, तो हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो हमारी मेहनत की चीज होती है, ठीक है। और जिस दिन वो पार्सल आया था दीदी के सामने खुला था, दीदी ने अपनी पसंद से सारे कपड़े लिए थे उसमें,
ठीक है, 5 सूट तो दीदी ने उसमें से लिए थे और बाकी जो हमारे पास अनटच कपड़े, देखो ऐसा नहीं होता कि आपकी नंद को अगर आपको कपड़े देने तो सारे के सारे आप बाहर से खरीद के लाके दोगे, आपके घर में जो होगा आप वही निकाल के देते हो। मेरे घर में भी ऐसा होता, तो मेरी मम्मी, अगर मेरी भाभियों के बच्चे होते तो मेरी बहनें भी जो मेरी भाभी के पास होते थे वही लेके जाती थी। और ऐसा होता था, चीकू के पापा ने, अरमान जी ने पूछा था सपने तो क्या लेगी, 3 बच्चों में तो क्या लेगी, तो दीदी ने सामने से खुद से बोला कि मैं ना गोल्ड का कड़ा लूंगी। तो चीकू के पापा ने बोला कि ठीक है मैं कड़ा बनवा देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए, तो हमने बोला चल ठीक है दोनों हाथों के लिए बना देंगे। तो आपको पता है मम्मी, गोलू की मम्मी और मेरी मम्मी वो ज्वेलर हैं, तो उनके यहाँ गोल्ड बनाने से क्या होता है, हमें ना थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मेकिंग चार्जेस कम लग जाते हैं और जो एक्चुअल रेट होता है वो मिलता है हमें, और गोल्ड की ना गारंटी होती है कि हॉलमार्क गोल्ड होगा, 916 होगा। तो हमने यही सोचा था कि देखो आपके कमेंट्स ये भी थे कि आपने नितिन को गोल्ड की रिंग दी, आपने शांति को गोल्ड की इयररिंग दी है, तो देखो हम तो सबके लिए करते हैं, आप लोग इतने तो नासमझ नहीं होगे जो अपने घर में काम करने वालों को गोल्ड की इयररिंग्स, पायल, कपड़े और वो 5 कुकर सेट दे सकते हैं, वो अपने खुद के परिवार के लिए कितना कर सकते होंगे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कड़े अब दीदी को जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना कड़े, क्योंकि कड़ा कोई 2-3 हजार का तो बनता नहीं है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो मम्मी जब आई थी यहाँ पे गोलू का और मेरा चुचक लेके आई थी, तभी मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी सपना दीदी के लिए कड़े बन, उसमें तो टाइम लगता है, ऐसा ऑन द स्पॉट तो नहीं बनता ना कुछ भी, तो उसके लिए वेट करना पड़ता दीदी को, लेकिन दीदी को जाना पड़ गया, उनको काम आ गया, उनको जाना पड़ गया। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग होते हैं जो ना घर जोड़ने की बातें करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घर तोड़ने की बातें करते हैं। इतनी ना समझ तो ना मैं हूँ ना आप हो, तो बाकी आप हमारा परिवार हो, आप सबको देखो, आप सबको समझ में आती है जो चीजें मैंने बोली है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, जहां दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे भी। दोनों भाई बहनों के आपस में जो भी बात हुई है वो हुई है, भाई बहन है, देखो लड़ेंगे भी मिलेंगे भी, आज लड़ाई है तो कल वापस भी आएंगे। तो ऐसे सुनीता दीदी के साथ भी हुआ था, थोड़ी बहसम बहसी हो गई थी, आज सुनीता दीदी फिर हमसे बात करती है, हम जाने वाले थे हाँ सी तो सुनीता दीदी को रास्ते से लेने वाले थे पर हम जा नहीं पाए, हम रह गए। अब जब भी देखो सुनीता दीदी तो कभी भी आएंगी, जागरण में भी आएंगी, भाभी भी आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं सपना दीदी नहीं आएंगी, वो भी आएंगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक है, थोड़ी बहुत देखो गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा। तो गाइस पायल ना कमेंट के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने भी सुबह कमेंट पढ़े, बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग इतने बुरे कमेंट्स कर रहे हो हमें, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो पिछले 2 साल से, तो हम लोग जो करते हैं आपको डेली 2 साल से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नई नई व्लॉगिंग शुरू करी है, तो हम किसके लिए क्या करते हैं आप सबको पता है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए इंसान को। और दीदी की बात रही तो दीदी के लिए हमने बहुत कुछ किया, कुछ चीजें होती है जो इंसान व्लॉग में नहीं दिखाता, कुछ चीजें होती है वो व्लॉग में दिखाता है। अब बात रही बेबी शावर की, ठीक है बेबी शावर पे भी हमने बहुत कुछ दिया बट वो नई चीजें दिखाई, शादी के टाइम पे भी बहुत कुछ दिया बट वो चीजें नहीं दिखाई। तो यही होता ना, इंसान अगर चीजें दिखाता है तो वो महान बनता है, अगर चीजें नहीं दिखाता तो वो महान नहीं बनता। मेरी मम्मी ये बात बोलती थी कि तुम किसी के लिए करो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, और गाइस कराएगी तो बस। गाइस इससे ज्यादा सफाई तो हम नहीं दे सकते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिल में आए, हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ना ही हम आपसे फोर्सफुली अपने लिए अच्छा बुलवा सकते हैं, जिसको बुरा बोलना होगा वो तो बोलता ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। बाकी हमें पता है हमारी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे 3 मिलियन की फैमिली, पूरी फैमिली हमें प्यार बहुत करती है, दिल से प्यार करती है, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती है, हमारे व्लॉग्स का वेट करती है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ दिखाते हैं आपको, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम ठीक हों, नहीं ठीक हों, ठीक है हम सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं ना कि जो चीज़ हमने करी नहीं होती ना, वो चीज़ हम पढ़ते हैं ना अपने बारे में, तो एक डीमोटिवेशन से आ जाती है, दिल करता है व्लॉग बनाना छोड़ दूँ। क्योंकि क्या है, देखो YT पे अपनी खुद की फैमिली के बारे में गलत बोलना या अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ बोलना, ये हमने नहीं सीखा ना हम कभी सीखेंगे। और गाइस बात रही ना मिठाई की, मैंने वो भी कमेंट पढ़ा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपके घर से जा रहा है मिठाई ना दो। ठीक है, हमने बेबी शावर हो गई, पायल की शादी हो गई, ऐसा एक भी हमारे घर में फंक्शन नहीं हुआ कि जिसमें हम लोगों ने मिठाई किसी को नहीं दी हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं बोल रही सपना दी की बात नहीं करी, चाहे कोई भी। अच्छा, मेरी फ्रेंड नेहा आई थी, दीपक आया था, स्नेहा आई थी, हाँ। ठीक है, जितने लोग आए थे सबको मिठाई के डब्बे शाके, गोद भराई में मम्मी आई थी, मम्मी आई थी, मासी आई थी, मेरी दूसरी मासी आई थी, और मासी के साथ साथ ना मेरे साथ ना क्या हुआ गाइस, चाची जो है ना, चाची नहीं आ पाई, ये व्लॉग में मैंने बात बताई नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरी दोनों जो मेरी तीनों चाची है ना वो आ नहीं पाई थी बेबी शावर के अंदर। ठीक है, पर उन्होंने ना हमारे लिए ना गिफ्ट भिजवाया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा खाली हाथ मत जाओ मम्मी, आप तीनों चाचियों के लिए भी लेके जाओ, तो मम्मी के साथ साथ मासी को तो दिया मैंने, चाचियों के लिए भी गिफ्ट भिजवाया। और गाइस देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि इंसान ना लेन देन से बड़ा नहीं होता, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना इज्जत होती है। तो बस गाइस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, और जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, दोनों भाई बहनों की नोकझोंक हुई है वो खत्म भी हो जाएगी, और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जो लाइफ टाइम एक दूसरे रिश्ता तोड़ ले, कोई भी। और भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा होता है, अभी अभी लड़ाई है और
अभी अभी बात करने लग जाएंगे, अभी लाइक कोई छोटी सी भी मुसीबत आएगी अपनी बहन पे या भाई पे आ जाएगी तो यहाँ से भाई जाएगा बहन के पास और वहाँ से बहन आएगी भाई के पास भागती हुई। तो ये आप सबको पता है। बस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।